हेलो फ्रेंड, कैसे आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि आपको मिलने वाले हैं सैमसंग गैलरी के अंदर। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी के अंदर आपको सैमसंग की गैलरी की ऐप मिलती है जिसके अंदर कमाल के फीचर्स होते हैं। दोस्तों आज मैं उसके अंदर के आपको कमाल के कुछ हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि उसके अंदर आपको मिलते हैं। क्या हिडन फीचर है, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, सब मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, तरह सैमसंग गैलरी के कमाल के हिडन फीचर, तो उसके लिए आपको सैमसंग गैलरी वाली ऐप में चले जाना है और अपनी फोटोज में कहीं भी चले जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी आप फोटोज को जूम कर रहे हैं, फोटोज को देख रहे हैं, तो बगल में आपको यहाँ पर आउटलाइन दिख रही है दोनों फोटो को सेपरेट करने के लिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो चाहे लैंडस्केप में हो, वो सब में आपको यहाँ पर आउटलाइन से दिख रही होगी व्हाइट कलर की, आप दिख रहे होंगे। अगर आपने डार्क मोड ऑन करके रखा हो तो आपको ब्लैक कलर की यहाँ पर आउटलाइन दिख रही होगी। और अगर आप नहीं चाहते कि आउटलाइन आपकी दिखे और फोटो ऑटोमेटिक कनेक्टिव हुई दिखे, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको जूम आउट भी करेंगे ना, तो भी वो आउटलाइन आपको दिख रही होगी, आप देख सकते हैं आउटलाइन दिख रही है। अगर आप नहीं चाहते कि आउटलाइन दिखे, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट गैलरी में, और यहाँ पर आपको वर्जन नंबर पर टैप करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू यहाँ पर टैप करेंगे तो वहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा, गैलरी लैब इनेबल करके आपको मैसेज आ जाएगा। गैलरी लैब इनेबल करने के बाद बैक आएंगे, यहाँ पर जाना है गैलरी लैब वाले ऑप्शन पे। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायनामिक स्पेस बिटवीन फोटोज, आपको इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। अब इस फोटोज को ऑफ करने के बाद आप इसको बंद करके फिर ओपन करेंगे, तो अब देखेंगे जो फोटो के बीच में जो आउटलाइन आ रही थी मोटी मोटी, वो हट चुकी है, वो बिल्कुल लाइट सी आ रही है, आप देख सकते हैं वो पूरी तरीके से हट चुकी है। तो सबसे पहला जो हिडन फीचर था वो यही था, बहुत ही कमाल का फीचर था। मतलब कमाल का क्या है, जो लोग नहीं चाहते कि फालतू की वो दिखे तो आप हटा सकते हैं। उसके बाद सेकंड फीचर्स काम कर बताऊं तो उसके बाद दोस्तों सेकंड जो फीचर बता रहे हूं वो है लॉक एल्बम का। आप अपनी एल्बम को लॉक कर सकते हैं, ये जो कि मैंने पहले ही बता रखा था, फिर भी बता रहा हूं। आपको किसी भी अपनी एल्बम पे चले जाना है जिसको लॉक करना है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ पर आपको लॉक एल्बम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको क्लिक कर देना है और वो लॉक हो जाएगी। जब भी उसको एक्सेस करना है, वहाँ जाना है, अपना पिन या अपना आपका जो भी फिंगरप्रिंट है या फेस अनलॉक डालना है, उसके बाद अनलॉक कर सकते हैं। इससे आप अपना डेटा को भी यहाँ पर सेव कर पाएंगे। तो ये फीचर भी यहाँ पर कमाल का दिया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे हिडन फीचर्स इसके अंदर सैमसंग गैलरी के अंदर मिलते हैं। लाइक आपको मान लो ये कुछ फोटोज़ हैं, आपको ये मेरी फोटोज़ हैं, मुझे दूसरी एल्बम में इसको ट्रांसफ़र करना है, तो बहुत अगर आप करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। मैं आपको जिस शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा उससे आप इजीली कर पाएंगे। आपको करना क्या है, अपनी जिस फोटोज़ को ट्रांसफ़र करना है उन फोटो को पकड़ लीजिए, मतलब ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो टैप करिए, टैप करने के बाद बगल में आपको सारी एल्बम आ जाएगी। जिस एल्बम में जाना है उस एल्बम पर ले जाके उसको छोड़ दीजिए, और वहाँ पर आपसे पूछेगा एड दिस आइटम टू इस एल्बम, ओके पे क्लिक कर दिए और वो वहाँ पर आपकी चली जाएंगी और आपको ओपन करके भी दिखा देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना फटाक से कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, मूव कॉपी पेस्ट सब यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फीचर्स की, मान लो आपको अपनी किसी भी फोटोज़ को आपको उसको पीडीएफ बनाना है, ठीक है, तो आप क्रिएट पे क्लिक कर लेना है, फोटो को क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ पर आप इसको सेव एज कर सकते हैं। आपसे ऑर्डर पूछेगा किस ऑर्डर में क्रिएट करना है, डिफ़ॉल्ट ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, जो भी आप क्लिक करेंगे उस ऑर्डर से वो क्लिक हो जाएगा और आप डायरेक्टली ओपन करके भी देख पाएंगे अपने पीडीएफ को और किसी को भी इजीली कोई भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर पाएंगे। तो ये फीचर भी बहुत ही कमाल का दिया गया है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट फीचर का, जो इसके अंदर दिया गया है वो है स्टोरी वाला। आप अपनी स्टोरी को यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इजीली आपकी प्रोफाइल बन स्टोरी बन जाती है आपकी फ़ोटोज़ के हिसाब से। आपको उन पर क्लिक करना है और वो आप पूरी आपको दिखा देगा, ट्रिप पिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्रिप पिक करके पूरा एक वो सिक्वेंस में चलता जाएगा ऑटोमेटिक, सब उसको अपने हिसाब से कलर भी इन्हांस कर लेगा, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है और बहुत शानदार है। पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ भी बज रही होगी, मैंने आवाज़ ऑफ कर दी है। आप इसको कहीं भी शेयर करना चाहें, सेव करना चाहें, कवर चेंज करना चाहें, स्टोरी चेंज करना चाहें, जो भी आप करना चाहें यहाँ पर आप उसका कर सकते हैं। सेव एज वीडियोस करना चाहें तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली फोटोग्राफ, तो उसका नाम ऑटोमेटिक दे देगा और अपने हिसाब से वो सारी फ़ोटोज़ को कोलाज करके आपको बता देगा। और सबसे शानदार फीचर लगता है मुझे वाला, लाइक गूगल फोटोज़ की तरह ये वाला फीचर काम करता है और बहुत ही शानदार।
तो यही कुछ हिडन फीचर थे जो कि आपको सैमसंग गैलरी के अंदर मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो बड़े डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे और मेरे व्हाट्सअप के नए चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।